हाजी नवाज पप्पू सदर इत्तेफाक ग्रुप हाल लोड माल लोड लिंक मैक्लो रोड की खसूसी दावत पर सीनियर ताजर रहनुमा हाफिज खालिद वरीद की हाल रोड आमद पर हाजी नवाज पप्पू ने अपने साथियों की बड़ी तादाद के हमरा हाफिज खालिद वलीद का इस्तकबाल किया। हाजी नवाज पप्पू की जानिब से हाफिज खालिद वलीद के एजाज में पुरतकल्लुफ जोहरा ने का एहतमाम किया गया। दोनों ताजरान के मबैन खसूसी मुलाकात भी हुई और मुलाकात में ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में DSP मुनीर और DSP फारूक रईस भी शरीक हुए। ताजरान ने मार्केट में पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल से अफसरान को आगाह किया। हाफिज खालिद वलीद और हाजी नवाज पप्पू ने ताजर बिरादरी के मसाइल को अव्वलीन तरजीहों पर हल करने का अजम किया। तकरीब में हाजी नवाज पप्पू के अलावा सरप्रस्ते आला हाजी मोहम्मद हनीफ, अमीन बे, शेख जाफर, यामीन भट्ट, शेख रफी, डॉक्टर वाजिद, आसिफ खान, तारिक चौधरी, आमिर एजाज, वासिफ मेराज, जफर इकबाल, शेख उमर हनीफ, शेख अवैस हनीफ, ताजर रहनुमा सलाहुद्दीन समेत ताजर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। आखिर में मेहमानों की तवाजु के लिए बेहतरीन खाने का एहतमाम किया गया। इस मौके में निजाम TV से गुफ्तगू करते हुए हाफिज खालिद वलीद ने हाजी नवाज पप्पू और उनके साथियों का खसूसी शुक्रिया अदा किया। जी नाज़रीन, बिल्कुल सख्त हाल रोड में मौजूद हूँ। आज सदर इत्तेफाक ग्रुप हाल रोड की जानिब से सीनियर ताजर रहनुमा हाफिज खालिद वलीद के एजाज में पुरतकल्लुफ जोहराने का एहतमाम किया गया है। आज ताजर बरादरी को जो मसाइल दरपेश हैं, हाल रोड की जो ताजर बरादरी को मसाइल दरपेश हैं, आज हाफिज खालिद वलीद और ये जो एक गुलदस्ता बैठा है आज इत्तेफाक ग्रुप का, आज उनके मबैन इस मुतलिक गुफ्तगू हुई है और पुलिस एहलकारान भी तशरीफ लाए हैं। जो ट्रैफिक का मसला है, हादसात का मसला है, DSP मुनीर खुद यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, हाफिज खालिद वलीद साहब मौजूद हैं। हाफिज साहब, ये बताइए कि आज हाजी नवाज पप्पू साहब के आप पास तशरीफ लाए हैं, बड़ा पुरतकल्लुफ जोहराना भी दिया गया और जो मसाइल आपने आज डिस्कस किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं हाजी नवाज पप्पू साहब सदर इत्तेफाक ग्रुप हार रोड का बेइंतहा मशहूर हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं, दिल से मैं इनका एहतराम करता हूँ। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने इत्तेफाक ग्रुप की खिदमात देख कर और सुनकर हाजी साहब से और दोस्तों से मिलकर सारी तंजीम से इत्तेफाक ग्रुप से तमाम ओहदेदारान से मिलकर बिलमुशाफा ये मैंने सबक हासिल किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े मुतहर्रक लोग हैं और ये ताजरों की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा हैं और मुझे बेइंतहा खुशी हुई है और दिली मुसर्रत हुई है। तो इस बात पे मैं हाजी नवाज पप्पू साहब का बेइंतहा मशकूर हूँ और इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनसे और काम ले नेकी के, और जिस जज्बे से ये लगे हैं मैं समझता हूँ कि ये जज्बा कम पाया जाता है, और मैं अपने दूसरे ताजर दोस्त बरदर भाइयों को भी ये कहूँगा कि इससे सबक हासिल करें। तो मैं इसी बात पे इत्तफाक करता हूँ कि जो आज हमें खाना दिया, मेरी दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क माल और ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और इनको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं जितने साथी तशरीफ लाए हैं, खालिद वलीद साहब, मुनीर हाशमी साहब, DSP, हम आज इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो मसाइल हैं हार रोड के, पार्किंग का इशू है, काउंटर नजायज़ लगे उनका इशू है, काफ़ी मसाइल हैं और हम चाहते हैं कि ताजरों को तहफ़ दें। इत्तेफाक ग्रुप का मोटो यही है कि मसाइल का हल, हम सब जो इकट्ठे हुए हैं इसी लिए हुए हैं कि लोगों के मसले हल करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंशाल्लाह ताला हमारा अगला स्टेप ये है, पहले हमने Zone 2 में जितना काउंटर माफिया था, नजायज़ स्टैंड था, वो ख़त्म करवाए हैं और इंशाल्लाह मेन से हम ये सारा ऑपरेशन करवाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। कैमरा मैन हमरा मलिक अंसब, Nizam TV, लाहौर। We have witnessed so much difficult times together. Whether it was COVID-19 or it was economic crisis or the recent floods. But Kingdom Valley has always tried to ease and comfort our dealers and clients. In addition to that, another big surprise is coming soon. Get ready. It is happening now.